कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। ओम शांति ओम मूवी का ये डायलॉग आज की समरी पे एकदम फिट बैठता है, क्योंकि ये कायनात, ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड एक सीक्रेट है, एक रहस्य है। और ये कैसे काम करता है, कैसे आपके विशेष को पूरा करता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या तरीका है, ये सब कुछ जानेंगे आज आप इस समरी में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत एक बार फिर से गीगल पर। ये ऑडियो बुक समरी गीगल यानी कि ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ के द्वारा बनाई गई है। यहाँ पर आप समरीज को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, सबके साथ शेयर भी कर सकते हैं। मैं हूँ गीगलर रूबी पारिक आपके साथ। तो आइए शुरू करते हैं समरी ऑफ द सीक्रेट, जिसे लिखा है रोंडा ब्रायन ने। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहली बात ये कि क्या आप अनलिमिटेड पावर के मास्टर बनना चाहते हैं? क्या आप अपने लाइफ में बहुत सारा पैसा, हेल्दी बॉडी और प्यार भरे रिलेशनशिप्स को हासिल करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि आप कैसे अपनी लाइफ को बदल सकते हैं? क्या आप उस सीक्रेट को जानना चाहते हैं जो काम करता है हर सिचुएशन पर, चाहे आप उसे जाने या ना जाने, लेकिन मौका है आज उसे जानने का। अगर हाँ तो ये समरी आपके लिए है। ये सीक्रेट एक ऐसी सुप्रीम नॉलेज है जो सदियों से चली आ रही है, लेकिन सिर्फ कुछ गिने चुने सक्सेसफुल लोगों को ही इसके बारे में पता था। आज ये सीक्रेट आपके सामने खुलने वाला है। आप क्या क्या कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये समरी आपको सिखाएगी कि आप अपनी इच्छाओं को किस तरीके से पूरा कर सकते हैं। तो आइए इस जर्नी में सबसे पहले जानते हैं द सीक्रेट रिवील्ड, यानी कि आखिर ये सीक्रेट है क्या। अनलिमिटेड पावर और दुनिया में किसी भी चीज को हासिल करने का सीक्रेट है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यूनिवर्स की रूल्स हम सबके लिए बिल्कुल सेम है, इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन है और कहां से आए हैं। आप इस लॉ को अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही वही अल्टीमेट सीक्रेट है जिसके बारे में इस बुक की ऑथर रोंडा पूरी दुनिया को बताना चाहती थी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि आप जो भी सोचते हैं, जो इमेज आपके दिमाग में चलती रहती है, आप उन्हें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगते हैं। इसका मतलब है कि आप जो हमेशा सोचते हैं वो सच हो जाता है। अट्रैक्शन का रोल आपके मन के पावरफुल थॉट्स पर काम करता है। सक्सेस, पैसा, खुशियाँ, अच्छी हेल्थ, प्यार, ये सब आपका होगा अगर आप इसके बारे में लगातार सोचते रहेंगे तो। अपने आप को एक पावरफुल चुंबक यानी मैग्नेट की तरह सोचिए। जिस चीज के बारे में आप सबसे ज्यादा सोचने लगेंगे, वो चीज सच में आपकी लाइफ में होने लगती है। आपके थॉट्स में इतनी पावर है कि वो मन में चल रहे आइडियाज को रियलिटी बना देता है। आसान शब्दों में इसका मतलब है कि जैसा आप सोचेंगे बिल्कुल वैसा ही आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। यानी अगर आप हमेशा नेगेटिव चीजों के बारे में सोचते हैं तो आप सिर्फ नेगेटिव चीजों को ही अट्रैक्ट करेंगे और आपके साथ सिर्फ बुरा ही बुरा होता रहेगा। लेकिन अगर आप अपने मन को पॉजिटिव थॉट से भरेंगे तो आपकी लाइफ खुशी और सक्सेस से भरी होगी, बिल्कुल एक नदी की तरह जो कहीं रुकती नहीं है, हमेशा आगे की ओर चलती जाती है। तो ये लॉ अच्छी और बुरी चीजों के फर्क को नहीं समझता। आप अच्छा सोचे या बुरा, आप उसे अट्रैक्ट करने लगेंगे और वो हकीकत बन जाएगा। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे आसपास हर चीज एक एनर्जी है, यानी कि ऊर्जा है। हमारे थॉट्स यानी कि हमारे विचार, हमारे वर्ड्स यानी कि हमारे शब्द, और हमारे एक्शन यानी कि जो भी काम करते हैं, जो भी कर्म है, वो सब एनर्जी है। हर एनर्जी की एक वाइब्रेशन होती है, हमारे थॉट्स की भी एक वाइब्रेशन होती है। जब हमारे मन में कोई थॉट आता है, कोई विचार आता है, तो वो यूनिवर्स में एक सिग्नल की तरह जाता है, और ये लॉ सेम वाइब्रेशन की चीजों और लोगों को हमारी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगता है। एक बड़ी अच्छी कहावत है, योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब, यानी कि जैसी आपकी वाइब्रेशन होगी, आप उसी वाइब्रेशन की चीजों और लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। आप जितनी ज्यादा एनर्जी किसी थॉट में लगाते जाएंगे, आप उस चीज को क्रिएट करने लगते हैं, भले ही आपको ये पता हो या ना पता हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप हमेशा ये कहते हैं कि मैं लेट नहीं होना चाहती, तो ये लॉ ये गारंटी देता है कि आप जरूर से लेट होंगे। इसके बजाय आपको ये कहना चाहिए कि मैं हमेशा टाइम पर पहुंचती हूँ या मैं पंक्चुअल हूँ। नेगेटिव वर्ड्स यानी कि नकारात्मक शब्दों को यूज करना अवॉइड करें। आइए इसे और अच्छे से समझने के लिए रॉबर्ट की कहानी जानते हैं। रॉबर्ट ने अपने प्रोफेसर से शेयर किया कि वो गे है। उसने ईमेल के जरिए प्रोफेसर को उन तकलीफों के बारे में बताया जो वो हर रोज एक्सपीरियंस करता था।
रॉबर्ट के साथ काम करने वाले उसका मजाक उड़ाते थे, जिसकी वजह से वो हमेशा तनाव में रहने लगा था। वो जहां भी जाता लोग उसे परेशान करते, उसके बारे में नेगेटिव कमेंट करते। रॉबर्ट एक स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में परफॉर्म करना चाहता था, लेकिन परफॉर्मेंस के दौरान सबने उसके गे होने का मजाक उड़ाया। वो लोगों के व्यवहार से निराश और दुखी रहने लगा था, तो उसके प्रोफेसर ने समझाया कि उसे नेगेटिव बातों पर फोकस नहीं करना चाहिए, उसे उन चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए जो वो अपनी लाइफ में नहीं चाहता है। प्रोफेसर ने कहा, अपने ईमेल को जरा ध्यान से पढ़ो, तुमने सिर्फ उन चीजों के बारे में बात की है जिससे तुम नफरत करते हो, हेट करते हो, जो तुम अपनी लाइफ में नहीं चाहते, क्योंकि तुम हमेशा सिर्फ इन चीजों के बारे में सोचते रहते हो और वो सच में तुम्हारे साथ हो जाता है। रॉबर्ट को तब जाकर के अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने खुद को बदलना शुरू किया। बाद के कुछ हफ्तों में जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। ऑफिस में जो लोग उसे चिढ़ाते थे, या तो उन्होंने रिजाइन कर दिया या दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए, और बाकी के बचे लोगों ने उस पर कमेंट करना बंद कर दिया था। अब रॉबर्ट को अपनी जॉब में मजा आने लगा, और तो और अब जब भी वो सड़क पर चलता था तो कोई उसकी इंसल्ट भी नहीं करता था। ऐसे लोग उसकी लाइफ से एकदम दूर हो गए थे। रॉबर्ट ने एक बार फिर से स्टैंड अप कॉमेडी करना शुरू किया। इस बार ऑडियंस ने उसे बहुत पसंद किया और वो उसके जोक्स पर खूब हंसे और उसके लिए चाहा। तो ये सब कुछ उस दिन से बदलने लगा था जिस दिन रॉबर्ट ने ये डिसाइड किया कि वो उन चीजों पर फोकस नहीं करेगा जो उसे नहीं चाहिए। अब वो सिर्फ उन चीजों के बारे में सोचने लगा जो उसे चाहिए थी। उसने अपने हर नेगेटिव थॉट से पीछा छुड़ाकर अपने मन को पॉजिटिव थॉट से भर लिया था। अब वो हर अच्छी चीज को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगा था। हालांकि अब भी वो गे था, लेकिन वो खुश भी था।